इसलिए उसको फायदा मिला। आपसे सवाल बंगाल की तरफ आते हैं सर, बंगाल में बीजेपी अप्रत्याशित शब्द का मैं इस्तेमाल करो बढ़त बनाती हुई दिख रही है एग्जिट पोल में, नतीजे आने हैं अभी 4 तारीख को, तो ये जो प्रदर्शन है बीजेपी का, और अगर आप कांग्रेस की बात करें क्योंकि टीएमसी के साथ वैसे तो अलायंस है लेकिन ऐसे अलायंस नहीं है, तो ये जो कंफ्यूजन है आपका कि वैसे तो इंडिया अलायंस में है लेकिन जब चुनाव हो रहे तब नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो कंफ्यूजन था ये कंफ्यूजन भारी पड़ा अगर हम इस अनुमान को आधार बनाए इस चर्चा का? नहीं नहीं, देखिए कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंस भी होते हैं। पहले मैं बता दूं, अगर आप पूरे चुनाव को पढ़ने की एक लाइन में कोशिश करेंगे जी, तो भारतीय जनता पार्टी का स्टेक जिन प्रांतों में नहीं है वहां पर पोलिंग का परसेंटेज हाई हुआ है। जहां भाजपा ने अधिसंख सीटें जीती वहां 60 के आसपास रखा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह वगैरह। इसका अर्थ है इनका कोर वोटर तैयार नहीं हुआ आने के लिए। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, जब आपने बिहार का उदाहरण दिया, नीतीश बाबू को एक दिन पहले रद्दी माल बताया प्रदेश अध्यक्ष ने, दूसरे दिन उनको शामिल कर लिया। ऐसे महाराष्ट्र में भी किया, महाराष्ट्र में अजीत पवार पर एलिगेशन लगाया, उनकी पार्टी को तोड़कर सिंबल दिलवा दिया शिवसेना, तो इतनी तोड़फोड़ की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आप आश्वस्त थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव ऐसे जीतने की स्थिति में ना पहले थे ना आज ये चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि देश की जनता इन शाम दाम दंड भेद को सब समझती है। और पारदर्शी तरीके से अगर मैं आज फिर कहता हूं, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं एग्जिट पोल की बार बार, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं प्रशासन पर और चुनाव आयोग पर, इसलिए ये चाहते हैं कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई। जी शर्मा जी, मैं सवाल, मेरा सवाल सुन, इनका जवाब तो आप देंगे, मेरा सवाल ये था जो इन्होंने भी बात की, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन भले इनका कहना ये तो है कि तोड़फोड़ की आप लोगों ने, बड़े सारे नेता ऐसा लगता है कि आप लोगों ने खूब सारे पटके छपवा के रखे हैं, डर लगता है आप लोगों से मिलने में कि एक बात सिर्फ दस सेकंड करना। देखिए ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया कि केरला में और पंजाब में आमने सामने क्यों लड़े, क्योंकि वहां मैंडेट हमको ये था कि प्रतिपक्षी दल होने के नाते आपको उनकी समालोचना करनी है। ठीक है, तो एक जगह स्ट्रेटेजिक अलायंस बंगाल में था। मेरा सवाल आपसे सीधा है, पश्चिम बंगाल में अगर ये अनुमान है, ये नतीजों में भी अगर तब्दील होते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? मैं निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है और जो डेवलपमेंट के काम है वो वहां दिखाएगा, और जो ममता बनर्जी का वहां पर जिस ढंग से व्यवहार किया है वहां की जनता के साथ में, उनका जो कारनामा है, जिस ढंग से अत्याचार है, बलात्कार है महिलाओं के साथ में, वो सारे चीजों के परिणाम है। लेकिन मैं भाटी साहब की एक बात कह दूं, इन्होंने हम पे कहा आप अशिष्ण हो जाते हैं, ये माहौल भाजपा ने बनाया है। अरे जब आपके पाप और कुकर्म सामने आएंगे तो हम उस पर क्वेश्चन क्यों ना उठाएं? प्रज्वल रेवन्ना, एक मिनट, प्रज्वल रेवन्ना को आशीर्वाद देंगे प्रधान। जब आप मुख्तार अंसारी जैसे आरोप लगे, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के मेरे खाते में, माफिया के कब्र में जाके फांसी पड़ेंगे, फारूक जैसे आतंकवादी को, उन्हें तालिब हुसैन जैसे आतंकवादी को मंच पर खड़ा करो, तारिक अहमद मीर जैसे आतंकवादी को टिकट दो और दूसरों पर उंगली उठाओ, ओबीसी का आरक्षण जल्दी पूछिए, जल्दी सारी चीजें। विशेषा सिंह और मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं तो नेताजी जब कहते थे कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, और जब 1995 का गेस्ट हाउस कांड हुआ था जी, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि वो धर्म की बात करते हैं, हर धर्म में युवाएं हैं, युवाएं के लिए क्या करेंगे और आगे आने वाले सालों में, और क्या किया है यूथ के लिए? संक्षेप में ये जवाब नहीं है, आगे बढ़े नहीं आप बताइए। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, आप जिस तरीके से कह रहे थे कि सबसे ज्यादा मंत्री बीजेपी के हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट मंत्री बीजेपी के हैं। बताइए ये इनका दावा है साहब जी, दावा सवाल सबसे अलग हट करके, मैं एक वोटर हूँ और मैं एज ए वोटर, जल्दी सवाल ये है कि आपने वोटर को कर दिया, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है, इसके नाम पर उसके नाम मिलता है, वोट मिलता है जो देश के लिए काम करेगा उसके नाम। जी मैडम आपका सवाल। ठीक है सर, मेरा विपक्ष ये सवाल है कि लोकतंत्र में 45-55 का रेशो होना चाहिए, जब ये 75-80 सीट लेके आएंगे तो जो सरकार होगी वो तो तानाशाह बनेगी। सर इनका कहना है कि आपको भी मजबूत होना चाहिए, भाटी साहब ये सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं। रिजल्ट तो आने दो, हम बहुत मजबूत हो रहे हैं, चिंता मत करो। चलिए मैं अभी रिजल्ट नहीं आया, यशवंत जी आपके पास आऊंगा। बंगाल, यशवंत जी बंगाल में जो ये बीजेपी का जबरदस्त जो स्विंग दिख रहा है, इसके पीछे की वजह क्या, क्या जो सरकार की एंटी इनकम्बेंसी ममता सरकार की, या फिर जो अलायंस करने में गलती हुई या उन्होंने सही किया उसको वजह माने, क्या मानते हैं? देखिए पश्चिम बंगाल में एक तो
एक बात को समझिए कि बीजेपी का जो सुनिए सुन लीजिए जी, वो बहुत ही क्लासिकल रहा है। पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भाजपा पहले ग्रामीण इलाकों में घुसी और अंत में शहरी इलाकों में घुसने की कोशिश कर रही है। बाकी सारे राज्यों में भाजपा पहले शहरी पार्टी बनी और बाद में ग्रामीण अंचल में गई। अभी इस बार पश्चिम बंगाल के मुकाबले में भाजपा, जो बंगाली में भद्र लोग कहा जाता है शहरी जनता को, सुधी जनता को, वहां पे पांव पसारने की कोशिश कर रही है। और फिलहाल उसमें मुझे लगता है कि जो पश्चिम बंगाल में नौकरी घोटाला हुआ वो वहां पे टीएमसी सरकार के लिए खासा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमको टर्नआउट पे भी दिख रहा है और उसका इम्पैक्ट यानी बड़ी वजह थी। प्रोफेसर साहब, संक्षेप में आखिरी सवाल आपसे भी, यही बंगाल को लेकर, बंगाल में बड़ा शिफ्ट क्या वजह आप मानते हैं? एक तो एंटी इनकम्पेंसी ममता का, तीसरा दूसरा हिंदुत्व की राजनीति, ये हिंदुत्व का गर्भगृह है बंगाल जिसको रिकवर कर रही है बीजेपी, तीसरा जो एंटी करप्शन मूवमेंट जो बीजेपी ने वहां पर चलाया ममता के खिलाफ, वो एक बड़ा कारण है, और चौथा जो वहां पर लगातार ये जो ऑपरेशंस वायलेंस पूरी के जो माहौल है, एक टॉर्चरस माहौल है, उसके खिलाफ बीजेपी एक नई आश लेकर के आई है, हिंदुत्व, एंटी करप्शन और इस तरह का ये जो मोदी का जो इमेज है, ये तीन ने मिलकर के मोदी के प्रति आस। प्रोफेसर साहब, मैं आपको रोकूंगा, माफी के साथ, वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यशवंत जी आपका भी, भाटी साहब आपका भी, दुबे साहब आपका भी, और के शर्मा जी आपका भी, और तमाम लोग जो यहाँ मौजूद है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 तारीख को एबीपी न्यूज जरूर देखेगा, सबसे तेज नतीजे, एक दिन बाकी बच गया है, 4 तारीख को सुबह 8 बजे से एबीपी न्यूज पर जरूर देखिए सबसे तेज नतीजे।